Now we have to give the double effects of adjustments. First adjustment, closing stock on 31st December 99 valued at rupees 24,000. So closing stock is the pahla effect hai trading account credit. By closing stock amount आपको inner column में लिखना है. Closing stock का जो amount है in this problem इस क्लोजिंग स्टॉक को भी एडजस्टमेंट है. क्लोजिंग स्टॉक इसको एडजस्टमेंट है. तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है 24,000. क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है. एक लाइन आपको क्लोजिंग स्टॉक के नीचे एडजस्टमेंट के लिए ब्लैक रखना है. क्लोजिंग स्टॉक इसका दूसरा इफेक्ट, इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड. क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है. बैलेंस शीट में भी अमाउंट आपको इनर कॉलम में लिखना है 24,000. एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए ब्लैक रखना है. तो पहला एडजस्टमेंट था क्लोजिंग स्टॉक 24,000. इफेक्ट दिया हमने ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट अमाउंट इनर कॉलम में लिखा है. एंड दूसरा इफेक्ट है इसका बैलेंस शीट एसेट्स एंड क्लोजिंग स्टॉक. बैलेंस शीट में भी अमाउंट हमने इनर कॉलम में लिखा है. सेकंड एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10% एंड फर्नीचर बाय रुपीज 800. तो डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट बैलेंस शीट में ये जो प्लांट एंड मशीनरी लिखा है इसमें से माइनस करना है. माइनस 10% डेप्रिसिएशन. तो 80,000 का 10% 8,000 आउटसाइड कॉलम 72,000. फर्नीचर में से माइनस करना है डेप्रिसिएशन. फर्नीचर का डेप्रिसिएशन का अमाउंट उन्होंने कैलकुलेट करके दिया हुआ है. फर्नीचर का डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करके दिया है 800. माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 13,400. तो डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्नीचर. डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट, डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन. अंडरलाइन करके प्लांट एंड मशीनरी 8,000 आउटसाइड कॉलम. फर्नीचर 800 आउटसाइड कॉलम. तो डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट्स दिए. बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर में से माइनस किया है एंड इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिया. थर्ड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 2,000. तो आउटस्टैंडिंग वेजेस इसका पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस के अंदर ऐड करना है. ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस के अंदर ऐड करना है आउटस्टैंडिंग 2,000. टोटल आउटसाइड कॉलम में 30,000. फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट एडिंग वेजेस. आउटस्टैंडिंग वेजेस इसका दूसरा इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटसाइड कॉलम 2,000. फोर्थ एडजस्टमेंट, गुड्स टेकन बाय गिरीश फॉर हिज पर्सनल यूज रुपीज 1,000. नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन द बुक्स. तो ये एडजस्टमेंट है आपका गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर हिज पर्सनल यूज.
फॉर हिज पर्सनल यूज रुपीज 1000। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको लिखना है बाय गुड्स विड्रॉन, आउटसाइड कॉलम में 1000। ये 1000 रुपीज का दूसरा इफेक्ट, 1000 रुपीज का दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू गुड्स विड्रॉन, अमाउंट गिरीश के कॉलम में लिखना है। अमाउंट आपको गिरीश के कॉलम में लिखना है 1000। गुड्स टेकन बाय गिरीश फॉर हिज पर्सनल यूज रुपीज 1000। तो पहला इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बाय गुड्स विड्रॉन 1000। दूसरा इफेक्ट दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू गुड्स विड्रॉन, गिरीश के कॉलम में 1000। लास्ट एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट गुड्स ऑफ रुपीज 2000, गुड्स ऑफ रुपीज 2000 सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। लास्ट एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ रुपीज 2000 सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ये 2000 रुपीज जो है इसके दो इफेक्ट्स है, 2000 रुपीज इसके दो इफेक्ट्स। ट्रेडिंग का काम है सेल्स में से माइनस करना है, ट्रेडिंग का काम है सेल्स में से माइनस करना है सेल ऑन रिटर्न बेसिस। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेल्स 2000, आउटसाइड कॉलम में 1,48,400। ये 2000 रुपीज का दूसरा इफेक्ट, 2000 रुपीज का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस करना है। बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस करना है, माइनस सेल ऑन रिटर्न बेसिस। सेल ऑन रिटर्न बेसिस 2000, आउटसाइड कॉलम में 22000। लास्ट एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ रुपीज 2000 सोल्ड ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस। तो 2000 रुपीज का पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेल्स, एंड 2000 रुपीज का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डेटर्स। सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम एडजस्टमेंट, सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम एडजस्टमेंट द कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ सच गुड्स रुपीज 1500, द कॉस्ट प्राइस ऑफ सच गुड्स 1500। अभी 1500 इसके दो इफेक्ट्स, 1500 इसके दो इफेक्ट्स। ट्रेडिंग अकाउंट में ये जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा है इसमें ऐड करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करना है सेल ऑन रिटर्न बेसिस। सेल ऑन रिटर्न बेसिस 1500, आउटसाइड कॉलम में 25,500। और ये 1500 रुपीज का दूसरा इफेक्ट, 1500 रुपीज का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में ये जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा है इसमें भी ऐड करना है। बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना है प्लस सेल ऑन रिटर्न बेसिस 1500, ऐड करके आउटसाइड कॉलम में 25,500। तो जो लास्ट एडजस्टमेंट है इसके इफेक्ट्स गुड्स ऑफ रुपीज 2000 सोल्ड ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस। तो 2000 रुपीज इसके दो इफेक्ट्स दिए, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से माइनस किए, बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस किए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ सच गुड्स 1500, तो 1500 इसके दो इफेक्ट्स दिए, ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक में ऐड किए सेल ऑन रिटर्न बेसिस 1500, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक में ऐड किया सेल ऑन रिटर्न बेसिस 1500। ये हो गया फाइव एडजस्टमेंट्स जो आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे दिए थे। इन एडिशन टू दिस फाइव एडजस्टमेंट्स ट्रायल बैलेंस में आपको 15% बैंक लोन दिया है,
तो 15% बैंक लोन इसका आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ट्रैवलर्स में 15% बैंक लोन इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फ्रॉम 1st of July till 31st December फॉर 6 मंथ्स। 1st July to 31st December 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए बैलेंस शीट के आगे वर्किंग नोट करना है। बैलेंस शीट के आगे हमने पेज ब्लैंक रखा है, वहां पे वर्किंग नोट का टाइटल देना है। वर्किंग नोट का टाइटल इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ये जो वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट आपको बैलेंस शीट के आगे जो पेज हमने ब्लैंक रखा है वहां पे करना है। तो 15% बैंक लोन ट्रायल बैलेंस में बैंक लोन का अमाउंट है 60,000, 15% है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो पहले कैलकुलेशन करना है, ये 60,000 पे 15% निकालना है। तो 15% ऑन 60,000, 60,000 ये हमने बैलेंस शीट में बैंक लोन लिखा है, 15% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 60,000 पे 15%, तो 60,000 इंटू 15 अपॉन 100, 60,000 इंटू 15 अपॉन 100 तो इंटरेस्ट आएगा 9,000 इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स। ये फुल 1 ईयर का इंटरेस्ट हो गया, 9,000 रुपीज इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स। मंथ्स कैलकुलेट करने हैं, मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। मंथ्स विल स्टार्ट फ्रॉम 1799 till 31st December 99। मंथ्स आपको 1799 से काउंट करना है टिल 31st of December। तो 1799 to 31st December 99, इसके नंबर ऑफ मंथ्स है 6 months। तो 12 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है, 12 मंथ्स का इंटरेस्ट है 9,000, इसको 6 मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो 12 मंथ्स इज इक्वल टू 9,000, तो 6 मंथ्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट 4,500। तो 12 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है, 12 मंथ्स का इंटरेस्ट 9,000, इसको 6 मंथ्स में कन्वर्ट किया है, तो 6 मंथ्स का हाफ ऑफ इट 4,500। 4,500 ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इसका आउटसाइड कॉलम का वैल्यू है। 4,500 दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इन द आउटसाइड कॉलम। तो प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इसका आउटसाइड कॉलम का वैल्यू 4,500। ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,000 रुपीज ऑलरेडी गिवन। ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,000, दिस अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। एज पर आवर कैलकुलेशन इंटरेस्ट है 4,500, तो 4,500 इज टेकन इन द आउटसाइड कॉलम। डिफरेंस ऐड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन में ऐड करना है आउटस्टैंडिंग। वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड कैसे आया, 3,000 और 4,500 इसके अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ऐड किया आउटस्टैंडिंग 1,500। ये 1,500 इसका दूसरा इफेक्ट, 1,500 इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में ये 15% बैंक लोन इसमें ऐड करना है प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। बैलेंस शीट में 15% बैंक लोन इसमें ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,500, आउटसाइड कॉलम में टोटल 61,500। तो वर्किंग नोट में ये जो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो हमने कैलकुलेट किया 4,500,
ये 4500 आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड का इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का आउटसाइड वैल्यू है। 4500 है प्रॉफिट लॉस का इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का आउटसाइड फिगर है। ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3000 रुपीज ऑलरेडी गिवन, आपको सिर्फ डिफरेंस ऐड करना है 4500 और 3000। इसके अंदर जो डिफरेंस है 1500 उसके दो इफेक्ट्स है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन में ऐड किया आउटस्टैंडिंग और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे 15% बैंक लोन इसमें भी ऐड किया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1500, आउटर कॉलम में वैल्यू है 6150। सो दीज आर द डबल इफेक्ट्स ऑफ द एडजस्टमेंट्स सम नंबर 8।